फ्रेंड्स, यदि अब आप गोल्ड या फिर प्रीशियस स्टोन को मूव करेंगे तो आपको ईवे बिल बनाना पड़ सकता है। इसके बारे में हम इस जीएसटी न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxheal.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने एक नई कमेटी का गठन किया है 22 नवंबर 2019 को, जिसमें के कहा गया है कि कमेटी बनाई गई है ताकि गोल्ड और प्रीशियस स्टोन की यदि मूवमेंट की जाए तो उसके लिए ईवे बिल की रिक्वायरमेंट को ये कमेटी स्टडी करेगी। इस कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर TM थॉमस, फाइनेंस मिनिस्टर केरला श्री सुशील कुमार मोदी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार श्री नितिन भाई पटेल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर गुजरात श्री मनप्रीत बादल, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस पंजाब श्री बसवराज बोमई, मिनिस्टर ऑफ होम कर्नाटका अमित मित्रा, फाइनेंस मिनिस्टर वेस्ट बंगाल। इस कमेटी का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, GOM ऑन मूवमेंट ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन शैल बी टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंशन ऑफ ईवे बिल रिक्वायरमेंट फॉर मूवमेंट ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन और अदरवाइज एंड टू सजेस्ट अल्टरनेट वेज एंड मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग टैक्स इवेजन। इस प्रकार अब गोल्ड और प्रीशियस स्टोन की मूवमेंट के लिए ईवे बिल को बनाना कंपल्सरी किया जा सकता है। इसके अलावा अल्टरनेट मेजर भी सजेस्ट किए जा सकते हैं जिससे कि टैक्स की चोरी रोकी जा सके। आप इस प्रेस रिलीज को रेफ़र कर सकते हैं, इसके लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार को सबमिट करेगी। फ्रेंड्स, आज की डेट में यदि आप रूल 138 देखते हैं CGST रूल 2017, तो वहाँ पे सब रूल 14 दिया गया है जो कि यह कहता है कि ईवे बिल को बनाने की आवश्यकता नहीं है उन गुड्स के लिए जो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं जो कि अनेक्स में स्पेसिफाई की गई हैं। यदि आप यहाँ पे अनेक्स देखते हैं तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है सीरियल नंबर 4 में, नेचुरल और कल्टर्ड पर्ल्स एंड प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस मेटल्स एंड मेटल्स क्लेड विद प्रीशियस मेटल्स चैप्टर 71 के अंतर्गत जो फॉल करती हैं, या ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ्स एंड सिल्वर स्मिथ्स वेयर्स एंड अदर आर्टिकल चैप्टर 71 में जो रेफ़र किए गए हैं उसके लिए आपको ईवे बिल को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अब ये कमेटी ये रेकमेंड कर सकती है कि इस चीज़ के लिए भी आपको ईवे बिल बनाना होगा। मेरे सब्सक्राइबर के लिए खुशी की खबर है कि अब आप इनकम टैक्स और GST को लाइव सीख सकते हैं। इसके लिए आपको unacademy.com/plus वेबसाइट पर जाकर सब्सक्रिप्शन लेनी है। आपको गोल में सी एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। यदि आप रेफरल कोड CA Satbir यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। यदि आप GST और इनकम टैक्स पर डेली अपडेट चाहते हैं, जजमेंट, सर्कुलर, तो उस केस में आप हमारे पैट्रियन अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक है इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिससे कि आपको डेली ईमेल आपके मेल बॉक्स में मिलेगी। यदि आपके GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई जनरल क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxheal@gmail.com पर। GST, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप Taxheal की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।